प्रॉब्लम चल रही है, तो किडनैपिंग और वॉर जैसी, सिविल वॉर जैसी कंडीशन है, जैसे पनीर की तरह है, पर ये बिल्कुल टूटेगा नहीं। भाई अभी हम हैं डुआला, एक फाइनेंस कैपिटल ऑफ कैमरून, और ये हमारी धन्नो खड़ी है यहीं पे ही, और यहाँ पे एक मेटाफ्रिक कंपनी है, स्टील प्लांट है, उसके अंदर हम रुके हुए हैं। तो आज हम जो है डुआला और उसके आसपास छोटी मोटी चीज़ें जो घूमने वाली हैं वो घूमने जा रहे हैं। तो अभी हमारे साथ कुछ दोस्त हैं जो कि हमारे साथ जाने वाले हैं, तो उनके साथ जाऊँगा। अभी ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, ब्रेकफास्ट बन गया इनके कैंटीन में। ब्रेकफास्ट टाइम संडे है क्या? हाँ, संडे में जो हॉस्टल में ब्रेकफास्ट में पूरी और सब्जी मिलती थी आलू की, वही हॉस्टल में यहाँ पे। आज संडे का फिक्स है क्या तुम्हारा ये? तो ये आपने कैंटीन, कितने लोगों की कैंटीन आपकी? ये हमारे पांच बंदे हैं। पांच बंदे हैं, ओके। तो सबकी इंट्रोडक्शन में बाद में करवाऊंगा भाई, क्योंकि सबसे पहला काम पेट पूजा, बाकी काम दूजा। क्यों जी, ये भाई कैसे हैं अभी आपकी हेल्थ? इनको मलेरिया हो गया था, तो देखिए यहाँ पे मलेरिया कितना आदमी को नाजुक बना देता है, मलेरिया खा जाता है। ब्रेकफास्ट हो गया और अब निकलने की तैयारी कर रहे हैं। तो आपका शुभ नाम सर? आशीष। आशीष धीमान है सर। गोपाल सिंह। गोपाल सिंह। हेलो सर। हेलो हेलो, कैसे हैं? कैसे हैं? बढ़िया सर, बढ़िया। ये हमारे रवि जी हैं। आपका शुभ नाम? शाहवाज खान। शाहवाज खान, कहाँ के रहने वाले हैं? मैं बागपत का। बागपत वाले। हेलो, हाय, हाउ आर यू? बोंजू। डॉक्टर राज। ये हमारे पायलट आज के। ओके, तो इनके साथ में हम जाने वाले हैं। तो अभी हम चारों पांचों लोग जो है घूमने के लिए निकलते हैं, लोकल थोड़ा सा। कहाँ जा रहे हैं सर हम? लिम्बे। लिम्बे। लिम्बे, ओके, कोस्टल एरिया है थोड़ा सा। और ये मेटाफ्रिक का प्रांगण है, ये कंडा लगा हुआ है अभी थोड़ा सा इधर का एरिया है। ये काफ़ी बड़ा प्लांट है, तो वो बाकी प्लांट जो है वो हम आपको दिखाएंगे प्रॉपर तरीके से। मेन पोर्ट है इस देश का, क्या बोलते हैं इसको? डुआला पोर्ट। एक नया और बन रहा है वो किरबी में। एक किरबी पोर्ट है, डुआला पोर्ट है। किरबी वाला भी बन रहा है, चाइनीज कंपनी बना रही है। किरबी कितनी दूर है यहाँ से? यहाँ से 220। ये बीच साइड होटल है, तो इसलिए 2000 सीफा लेता है। लो जी, हम आ गए हैं बीच साइड। अच्छा, ग्राउंड राउंड बना रखा है, और हम फिर साउथ अटलांटिक ओशन के आसपास आ गए हैं भाई। और अच्छा सा बना हुआ है यार ये बीच सा। तो अब तो कई बार आ चुके होंगे? मैं तो पहली बार। 6-7 बार। आप सर? मैं तो 6 साल में कम से 20 बार आ गया होगा कम से कम। पर अच्छी जगह है ना, थोड़ी सी टाइम पास हो जाता है बैठने के लिए। बट इससे भी अच्छी चीज है जो पीछे देख रहे हो, इसके बिल्कुल पीछे एक एक्टिव बैल्कोनिक पहाड़ है, और उसको बोलते हैं माउंट कैमरून और माउंटेन कैमरून। ये व्यू देखिए कितना खूबसूरत है, आपको इस कैमरे से दिख नहीं रहा होगा, पर बहुत ही खूबसूरत व्यू है। और ये ऊपर से टूट टूट के गिरे हुए, नहीं ऊपर से गिरा, अरे काटने वाला औजार नहीं है। और ये नदी जो है उससे मिल रही है, समुद्र से पानी आके। ये भाई साहब देखना, मिट्टी से पूरा शरीर को मत लिया इन्होंने, और हाँ ब्लैक मिट्टी जो होती है ना बॉडी के लिए बहुत अच्छी बताते हैं। और ये जो मिट्टी है ये माउंट कैमरून की है, वेल्कोनिक है ना, वेल्कोनिक से राख जो मिली होती है ना उसकी, वो मिल के आती है यहाँ पे, ये समुंदर में मिलती है। तो ये देख रहे हो आप बिल्कुल काला है, तो ये वेल्कोनिक सैंड है। ये देखो भाई ने तोड़ दिया यार। ओ भाई साहब, ये हुआ ना मजे वाला। ये देखो ये पेड़ लगे हुए, इससे गिरा हुआ था, तो अब तो कर लेंगे पगाम और तोड़ेंगे। आ जा, पैसे क्यों देने, ये पेड़ लगे हुए इसे तोड़ लेते हैं। ये धीमान साहब कैसे चल रहा है? सब सब बढ़िया चल रहा सर। कितना टाइम हो गया धीमान भाई? मुझे, मैं आया था 13 मई को यहाँ। इसी साल? हाँ, अभी नहीं, मैं न्यू पहली बार विजिट करा। आउट ऑफ इंडिया है? नहीं, आउट ऑफ इंडिया भी और यहाँ भी लिम्बे भी। मोस्टली कितनी बार फोर्स करा पर मैं थोड़ा आया नहीं, बस ऐसे। देखिए मैं आपको कुछ स्टोन दिखाता हूँ, ये जो स्टोन है ना ये ऊपर से आया हुआ है, ये वेल्कोनिक स्टोन है। देखिए इसमें छिद्र होंगे ना, ये वेल्कोनिक सैंड से बना हुआ स्टोन है। ऊपर से बड़े स्टोन होंगे यहाँ आते आते घिसके, और सब में देखना दाने दाने से हैं। मेरा लगेगा भाई। तू मारेगा पक्का? चल देख। मैं मार रहा हूं। देखो हट जा,
चढ़ के ना तोड़ दे लगा भाई मान वेरी गुड पर टूटा नहीं लग लग गया सब सब कंपटीटर बन गया अरे यार ओ बेटे जीत गए। मैंने आपको एक किसी वीडियो में बताया भी होगा कि ये जो देश है ये तितलियों का देश है, यहाँ पे 1000 की तरह की तितलियाँ मिलती हैं। तो आप इधर देखोगे ना, ये अभी फूल है और फूल पे बहुत तरह की तितलियाँ मिल जाएंगी आपको देखने को। ये दिखाइए सर, कितना खूबसूरत सा फूल है और तितलियाँ देखिए घूम रही हैं। तितलियों की पेंटिंग बनाई जाती है यहाँ पे, जो तितलियाँ मर जाती है ना उनकी फार्मिंग होती है, अच्छा। उसको चिपका चिपका के पेंटिंग बनाई जाती है, हट की या लेडी की, जो इनके पुराने कल्चर है वो पेंटिंग। हाँ हाँ बिल्कुल मिल जाएगी, द्वाला में ही है अपने। और बहुत खूबसूरत सा नज़ारा है, एक माउंटेन वो है और इस माउंटेन के बिल्कुल पीछे जो है माउंट कैमरून है, तो वहाँ पे ट्रैकिंग के लिए जा सकते हैं, 2-3 दिन की ट्रैकिंग है। पर प्रॉब्लम क्या है कि ये एरिया जो है सेफ नहीं है। अभी आप बता रहे थे कुछ कैसे? हाँ सर, यहाँ पे एंग्लोफोन और फ्रेंकोफोन का वो चल रहा है बहुत, तो ये वाला जो एरिया है ये आता है अपना फ्रेंकोफोन में। ओके। और वो जो आप बता रहे हो ना पहाड़ी के पार, वो आता है अपना वो एंग्लोफोन का। ओके। तो इनकी आपस में बनती नहीं है, तो ये लोग उधर जा सकते हैं लोकल पर पीपल, पर आप जैसे बाहर से आए हो और हम हैं जैसे फॉरेनर, तो वहाँ नहीं जा सकते क्योंकि वो लोग किडनैप कर लेते हैं वहाँ पे। एक्चुअली क्या है, यहाँ से जहाँ पे अब हम खड़े हैं यहाँ से 50-100 किलोमीटर पे ही नाइजीरिया है, तो नाइजीरिया में किडनैपिंग का सिस्टम ज़्यादा है। कुछ रीज़न तो वहाँ यहाँ का ये है वॉर का, क्योंकि ज़्यादातर नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो पेट्रोलियम हो गया, गोल्ड माइन हो गई आपकी, वो सारी उस तरफ है एंग्लोफोन जोन में। ओके। तो इस वजह से भी वहाँ पे ज़्यादा वॉर का सिस्टम रहता है एंग्लोफोन फ्रेंकोफोन का। मैं आपको बता दूं कि एंग्लो क्या है, मतलब एंग्लो जो इंग्लैंड से चल रहा है इंग्लिश स्पीकिंग, और फ्रेंको का मतलब है जो फ्रेंच बोलते हैं, तो यहाँ के लोग फ्रेंच बोलते हैं, नाइजीरिया के लोग इंग्लिश बोलते हैं। इंग्लिश स्पीकिंग लोगों को फ्रेंच बोलने वाले पसंद नहीं है, फ्रेंच वालों को इंग्लिश वाले पसंद नहीं है। तो एक टाइम था यहाँ पे इतना टूरिस्ट आता था कि ये जगह जो पूरी बैठने के लिए इन्होंने तैयार की हुई थी, यहाँ पे पिज़्ज़ा वीज़ा बनता था, पर अभी सब तहस नहस है क्योंकि जब से वॉर वगैरह चल रहे हैं यहाँ पे तो डिस्टर्ब है सब। तो अभी तो सिर्फ थोड़े बहुत टूरिस्ट हैं, हम आए हुए हैं, कुछ लोकल हैं, तो फॉरनर्स तो बिल्कुल दिखते ही नहीं अभी यहाँ पे। ये देखिए पेड़ की माया देखिए आप, जड़े यहाँ पे हैं, नीचे से सारा खाली हो गया है और फिर भी मस्ती से खड़ा है। और ये बादाम है ना जी, गिरा हूँ पर हारा नहीं हूँ, वो वाली बात है इसके साथ में, गिर गया उसके बावजूद भी ग्रीन खड़ा है। और अब हम जा रहे हैं उस बोट की तरफ जो बोट टूटा हुआ है, डूबा हुआ है, आधा डूबा था। अब आपको एक अद्भुत सा दृश्य दिखाने वाला हूँ मैं। हम पहुंच गए हैं यहाँ पे, 1 किलोमीटर पैदल चलते चलते ना इसके पास में पहुंचे हैं। तो ये बोट है, बहुत ही खूबसूरत सी जगह पे सिप वो हो गया, डाउन हो गया, निकला नहीं कभी भी यहाँ पे, मिट्टी में फंस गया था। ऐसा आपने पहले भी देखा है एक वीडियो में, कमेंट करके बताना यार कौन से वीडियो में दिखाया था मैंने आपको वो। ये 3 साल पुरानी सिप है यार, 3 साल पहले यहाँ डूबी थी। हे गाइस, ये हम हैं, ये गोपाल है और ये मैं हूँ और ये साइकिल बाबा के गोप्रो से हम वीडियो बना रहे हैं। समुंदर की लहरों के पास एक हमारे साथ में मॉडल आया देखना, वो बस वो दिखा रहा है, करियो भाई एक बार और, क्या बात है। ये देखिए क्या, ये क्या वो है बताइएगा यार कमेंट करके। वैसे तो कोको का पेड़ लग रहा है पर कुछ है अलग सा ही, इतना बड़ा तो मैंने कभी देखा नहीं, पहली बार देखा है बीज। तो नाइजीरिया और कैमरून का बॉर्डर बस बिल्कुल यहाँ से 50-100 किलोमीटर पे ही है, हम जाने को तो जा सकते हैं, पर यहाँ पे जो है वो फ्रेंकोफोर्निया और एंग्लो की प्रॉब्लम चल रही है, तो किडनैपिंग और वॉर जैसी, सिविल वॉर जैसी कंडीशन है। मैं अभी द्वाला के आसपास हूँ, द्वाला से एक आइलैंड है 50 किलोमीटर के ऊपर अंदर जो कि इक्वेटोरियल गिनिया का पार्ट है, वहाँ पे उसकी कैपिटल है, तो वहाँ से मैं नाइजीरिया जा सकता हूँ, पर वो रूट भी मेरा बंद हो गया क्योंकि वहाँ पे एक इलेक्शन का टाइम चल रहा है। तो अभी मैं यहाँ से कोशिश करूँगा कि शायद मुझे फ्लाई करना पड़े और ये 100 किलोमीटर और उसके दूसरी तरफ जो है नाइजीरिया में जाके उतर जाऊँगा। ये बॉर्डर क्रॉस करने के लिए मुझे फ्लाई करना पड़ेगा सेफ्टी इश्यूज़ की वजह से, अदरवाइज़ तो कोई मतलब नहीं बनता। जगह तो सारी 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर है, पर कई बार सेफ्टी इशू आपके अड़ जाती हैं, तो आपको फ्लाई कर लेना चाहिए क्योंकि जान है तो सब कुछ है भाई।
और सब लोग नहाने गए हैं। मैं शावर नहीं ले रहा यार, मैं समुंदर में नहाने का इच्छुक नहीं हूँ। लो भाई, सब लड़कों ने ले लिया स्नान। कैसा था भाई? बढ़िया, बहुत। खैर, अब हम कहाँ जा रहे हैं? अब जू जा रहे हैं सर। हम जू? हाँ, वहाँ पे चिंपैंजी है। चिंपैंजी? और अफ्रीका में हर जगह मिल जाती है आपको लगभग? मतलब आपको नींबू नहीं मिलेगा इसके ऊपर? आपको नींबू नमक नहीं लगाते ये लोग। बट टेस्टी है, तो यहाँ पर नेचुरल है उन्हें। लो भाई, हम ये जो एक जू है यहाँ पे, वहाँ पे आ गया। तो ये एक पेड़ पे ना, पेड़ दिखा मुझे, इस पे ये फ्रूट लगा हुआ है। तो ये है क्या, किसको पता है भाई? अगर किसी को पता हो तो कमेंट करके बताना यार। उसकी सब्जी बनती है आई थिंक। फोड़ के देख इसको। अंदर बीज निकल रहे हैं क्या? व्हाट इज इट? टू मच फॉर इट? यू ईट दिस? हम इस जू में जाने के प्लान बना के आए थे पर बंद, तो अब हम करें क्या? ये बोले कि पहले बोले कि मास्क लेके आओ, फिर बोले कि टाइम ही नहीं है। पर ये पेड़ मुझे अभी भी खटक रहा है कि किस चीज का, इसका क्या नाम है। पेड़ पूरा बड़ा है यार, ये फल क्या है बताना तुम्हें। गुरिल्ला तो मुझे बाहर से दिख गया, मैं अभी आपको जूम करके दिखाता हूँ। वो देखो उस पेड़ के ऊपर है। तो बस ये मेन चीज़ में देखने के लिए आने जाना था मुझे अंदर, वहाँ पे तो अंदर जा नहीं पाए। तो अभी हम आगे हैं, एक बोटनिकल गार्डन है यहीं पे पास में ही, तो लिम्बे में ही। टी ची टी ची टी ची, ये जो शब्द, ये जो साउंड है ना, ये साउंड सिर्फ आप अफ्रीका में ही सुन सकते हो। अदरवाइज ये साउंड तो सुनने को ख़त्म हो चुकी है। ये कितने बड़े बड़े प्लांट है, ये देखिए कुदरत ने ना कितने अच्छे से इसको करा हुआ है। ये बेल देखो कितनी प्यारी है। देखिए भाई, बाकी सब ठीक है, कितना खूबसूरत नज़ारा है यहाँ पे, और कितना सुंदर पानी है, साफ है। और ये देखिए दोस्तों, कुछ तो करो यार कुदरत की ना, बस क्या बोलूँ। ब्रेड बेच रही है भाई ने, ब्रेड ले लिया अपने ट्रे में। ये इट्स लोकल ब्रेड है? लोकल ब्रेड। ओके, लिम्बे से जब आते हो तो लेते हो। ये क्या, व्हाट इज दिस? दिस इज अ करी। करी इज फ्रॉम कसावा। ओह, कसावा पाउडर। या कसावा पाउडर। ओके, पुट इन अ प्लास इन आवर माउथ। व्हाट? या 4000 में ब्रेड भी आ गई और ये कसावा का पाउडर भी आ गया। मैंने गाड़ी रुकवाई है एक बार भाई से, रबर ट्री दिखा के लाता हूँ आपको। आपको मैंने एक वीडियो में पहले भी रबर ट्री दिखाया है। कहाँ पे दिखाए हैं याद करके बताना भाई, कई साल पुराने वीडियो होंगे, ढूंढना पड़ेगा आपको। ये रबर ट्री की प्लांटेशन है भाई, ये सारी। अब इसमें क्या करते हैं, यहाँ पे कट लगाया, ये ऐसे आया, ये यहाँ से इसको लीक कर दी, ये आ गया और ये हो गया रबड़। अब इसको दिखाऊँ आपको कैसा हो जाता है। ये देखिए, टूटेगा भी नहीं है, ये प्रॉपर रबड़ है, ये रबड़ है पूरा। ये देखिए जैसे पनीर की तरह है, पर ये बिल्कुल टूटेगा नहीं। यहाँ पे फार्मिंग होती है रबड़ ट्री की। इसके बिल्कुल इसके दूसरी तरफ जो है पाम ट्री है। अपनी गाड़ी रोकती है, एक बार ताड़ी है, मिलती है यहाँ पे, लोकल ताड़ी जो होती है ना, वो लेने के लिए देखते हैं कैसे होती है। ये लोकल ताड़ी है क्या? ओके, हमारे वाले भाई ने ले लिया।